हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी में। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में मोर सब्सक्रिप्शन कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके SSC CGL में पूछा गया है। ठीक है, अभी SSC का एग्जाम भी चल रहा है MTS का, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी करें अच्छे से। और जिनका एग्जाम हो गया है वो अगले का जो CGS का फॉर्म आ गया वही भर सकते हैं, ठीक है। और अभी आने वाला एग्जाम CGS का कर लेना है। अभी MTS का जिनका बचा हुआ हो वो भी एक वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ऑल वर्ड सब्सक्रिप्शन से लिए हैं। जैसे देखिए, एक है अल्ट्रिस्ट, राइट, ALTRUIST। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु थिंक अनसेल्फिशली फॉर द अदर्स, है ना। मतलब किसी के लिए बिना कोई होता है ना, अपने मन भाव में कुछ नहीं रखना, परोपकारी, इसमें हिंदी बोलते हैं परोपकारी, है ना, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रिस्ट, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखें, दैट इज चौफर। चौफर का मीनिंग होता है वन हु इज इम्प्लॉयड, राइट, टू ड्राइविंग अ मोटर कार, जिससे होता है ना कार ड्राइवर, या सिंपली ये कह सकते हो उसको ड्राइवर बोलते हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड डेलिरियम, DELIRUM, डिलीरियम, राइट। डिलीरियम का मतलब होता है मेंटल इलनेस कॉज बाय द इलनेस, होता है ना कुछ बीमारी के कारण आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, राइट, दैट इज कॉल्ड डिलीरियम, है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, देखिए इसको ज्ञान सुनी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, डिलीरियम को। नाउ नंबर फोर, दैट इज कॉल्ड ब्रैगरेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आपका CGL में, ठीक है, इसको ध्यान देना। दैट इज ब्रैगरेट, ब्रैगरेट का मतलब होता है अबॉर्शन कर लो, जैसे होता है ना जो कुछ बच्चे जैसे ब्रैगरेट पर्सन ऐसा होता है ना कि वो अपनी मतलब फेंकते रहता है, फेंकना, जब फेंको नहीं बोलते हम लोग, ठीक है, जो बोलते रहता है कि मेरे पास ये है वो है जिस टाइप का, ठीक है, फेंकते रहता है बातों को, दैट्स कॉल्ड ब्रैगरेट, ठीक है। और हिंदी में इसको एक वर्ड में ब्रैगरेट मतलब होता है डिंग मारना, है ना, डिंग मारता है बहुत सारा कि मैं तो ये हूँ वो जिस टाइप का, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड फियास्को, FIASCO, फियास्को मतलब है कंप्लीट फेलियर, राइट, जिससे ह्यूमिलिएटिंग फेलियर, ऐसा ना जो शर्मिंदगी वाला पूरा फेलियर कर देना, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फेलियर, दैट इज फियास्को, है ना। तो ये पांच जो ऑनर्स ऑफ ट्यूशन थे बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैंने लिया था जो क्वेश्चन थे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होते, जैसे एक होता है EPTET, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है, EPITET, EPITET, EPITET का मतलब होता है उपाध्यक्ष, ना, एफ्रेस दैट रेफर्स टू द कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ द समबडी, है ना, और समथिंग जिसे कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी को बताया है ना, दैट इज कॉल्ड EPITET। तो ये सारे जो पांच मैंने ऑनर्स ऑफ ट्यूशन ये SSC में पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए। या फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके वन ट्यूशन से या साइनोनिम एंटोनिम जो आप बोलेंगे उसके थ्रू वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तब तक ये पांचों आप याद कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वन ट्यूशन है उसको भी आप देख लीजिए, ये बेसिकली पूछा गया है इसलिए मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।